दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिटी कुकिंग 11247 में। हम आज आपको बहुत ही बेहतरीन डिश बनाना सिखाएंगे, जो कि आज हमारे बहुत ही अच्छी और कम समय में बनने वाली डिश है नाश्ता की। तो बहुत ही अच्छी हेल्दी और टेस्टी फूड डिश है, तो इसका नाम है पोहा। तो पोहा हम आज बनाएंगे, बहुत ही आसान सी रेसिपी है हमारी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में सिटी कुकिंग 11247 में। हम आज आपको बहुत ही आसान से रेसिपी बनाने बताऊंगा, क्योंकि इस सुबह सुबह आप नाश्ते में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बन सकता है। तो हम आज बनाने वाले हैं पोहा। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है इस पर एक कप बड़ा जो है हमने पोहा ले लिया है, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट लिया है हमने, एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज भी काट लिया है, और इसमें देखिए एक हमने हरी मिर्च काट ली है, एक के अदरक का टुकड़ा हमने काट कर रख दिया है, एक लहसुन की कलियाँ हमने बड़ी थी तो काट दिया छोटी, तो आप दो ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए हमने मूंगफली के दाने जो है आधा चम्मच ले लिया है, यानी बड़ा चम्मच का, तो आधा चम्मच ले लिया है मूंगफली के दाने। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है नहीं डालना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों देखिए, गैस को ऑन करेंगे पहले, और इस पैन में मैंने जो है दो चम्मच डाल दिए हैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल हमने ले लिया है। इसमें आप रिफाइंड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में आप कुकर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घर का भी यूज़ कर सकते हैं, और राइस का तेल यानी कड़वा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। फटाफट पक जाएंगे अभी हमारे मूँगफली के दाने, फिर आगे हम बताते हैं और क्या क्या लगना है, मसाले क्या क्या डालने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, और वही अच्छी वीडियो में बना के आपके सामने लाता रहता हूँ। इसी तरह का हर टाइम एक नया और ईजी आसान तरीका बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए दाने हमारे धड़कने लगे हैं, यानी कि देखिए तो मैं स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए हल्के हल्के दाने जाएंगे। तो चलिए दाने पक चुके हैं हमारे, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये देखिए हमने पोहा ले लिया है, और इसको अब हम धुलेंगे, भिगोएंगे अच्छे से, ताकि ये जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गले भी नहीं अच्छे से। बहुत ही पतला वाला पोहा होता है ये, हमारा फॉर्च्यून मज़ा आता है, फॉर्च्यून का पोहा है। तो चलिए इसमें हम ऐड करते हैं पानी। दोस्तों ये देखिए हमने दो पानी से इसको अच्छे से धुल लिया है, अब ये पूरी पूरी कटोरी भर जाएगी इसमें। तो चलिए बताते हैं आगे क्या क्या लड़ने वाला है इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, तो एक चुटकी हम जीरा ऐड कर देते हैं इसमें। फिर ऐड करेंगे इसमें हम लहसुन, फिर ऐड कर देंगे इसमें हम ये मिर्च, और इसी में कोई से मिर्च कर लेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे ये अदरक, एक इंच का टुकड़ा जो काट कर रखा था बारीक कटा हुआ, ये तीनों को अच्छे से। दोस्तों ध्यान रहे ये हमारा कोई भी इंग्रेडिएंट जलना नहीं चाहिए, तड़का बिल्कुल अच्छे से सौते कर लें, लेकिन जलना नहीं चाहिए, इसको लो फ्लेम में अच्छे से इसको फ्राई कर लें तड़का बिल्कुल। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, प्याज भी अच्छे से पक जाएगा और तड़का भी नहीं जलेगा हमारा। इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा, तड़का आपको बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। दोस्तों हल्का हल्का प्याज भी हमारा ब्राउन होने वाला है, तो हम इसमें उसके पहले ऐड कर देंगे टमाटर, टमाटर को इसमें मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद इसे हम ऐड करेंगे मसाला, मसाले में ऐड करेंगे हम नमक थोड़ा सा, एक चौथाई हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे इससे, धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं,
अब इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट में बहुत ही अच्छा वाला मसाला, जो कि हमारा ये मसाला है गरम मसाला, तो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब ये सारे मसालों को इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, ताकि हमारे पोहे का जो कलर आए बहुत ही ब्यूटीफुल कलर हो, देखने में खाने में हर चीज़ में बेहतर होना चाहिए। तो ये देखो, देखते देखते आपको जो है टमाटर भी अच्छे से पानी खोल रहे हैं, पकने वाले हैं हमारा ये पूरा मसाला। देखिए ये हमारे सारे के सारे मसाले पकने वाले हैं, जिसे हम अब जो है मिक्स करेंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। ऐड कर देंगे मछली के दाने, इसके साथ साथ हम सोया को भी ऐड कर देंगे उसी से, जिसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका सोए का, और हर चीज़ आपको बिल्कुल सही तरीके से हमने जो है डाल कर दिखा दिया है। आप इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा, ये बहुत ही आसान तरीका है। ये तो दोस्तों हमने नमक अपने स्वाद अनुसार ही ऐड कर दिया था, पोहा मेरा तैयार है। तो चलिए इसको पोहा में डालते हैं, दिखाते हैं आपको इसमें डालने की चीज़ें करनी है, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद आएगी, बच्चों को बेहद बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो चलिए निकलते हैं बाउल में, फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए आपका पोहा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा पोहा जो है कितना अच्छा बना हुआ है। आप